बिहार में पूर्ण शराबबंदी और गुजरात के बाद दूसरा स्टेट होगा बिहार जहां पर पूर्ण तरीके से शराबबंदी का फैसला लिया गया है। हालांकि संडे को देसी जो टॉडी है उस पर बैन लगा था, ताड़ी जिसको बोलते हैं, और अब फाइनली जो विदेशी शराब है उस पर भी बैन लगाया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है और जिस तरह से विजय भी कह भी रहे थे कि बड़ा मार्केट है, लेकर कंपनीज के लिए अफेक्ट जरूर पड़ेगा इस फैसले का। अब मेरे से होके सुमित भी मौजूद है। सुमित, बिहार में पूर्ण शराबबंदी डेफिनेटली लिकर स्टॉक्स पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रसाइसली कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो ज्यादा बिजनेस ड्राइव करती हैं बिहार से? शुक्रिया दीपाली। इसका पहला जो एंगल है वो तो ये है कि बिहार सरकार के लिए भी रेवेन्यू लॉस है। करीब 3200 से 3400 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट डिराइव करती है लिकर के जरिए, तो ये पहला रेवेन्यू लॉस तो है गवर्नमेंट के लिहाज से भी। अब आपने की बात कंपनीज को लेकर, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है जो रिसेंट रिपोर्ट्स हमने स्टडी की उसके अकॉर्डिंग कि करीब करीब 7 से 10% हिस्सा जो है वो पूरे लिकर मार्केट में जो कि बियर कारोबार के अंदर आता है, बाकी जो है वो MFL कारोबार के अंदर आते हैं। बियर कारोबार में क्योंकि जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें यूनाइटेड ब्रिवरीज जैसी कंपनियां हैं, तो उनके पास उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना लिकर कंपनीज के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लिकर कंपनियों में यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने रेवेन्यू से करीब 5 से लेकर 7% हिस्सा जो है वो डिराइव करती है बिहार के मार्केट से। हालांकि जो रेवेन्यूज हैं उसमें क्योंकि वॉल्यूम पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो हैं यूनाइटेड ब्रिवरीज के यूनाइटेड स्पिरिट्स के वो ज़रूर यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, तो उसके ऊपर इंपैक्ट जरूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा इंपैक्ट आएगा लेकिन वॉल्यूम फ्रंट पर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि बिहार में जो ताड़ी है, जो देशी शराब है, वो ज़्यादा पॉपुलर रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनकी डिमांड कैसी थी अब तक, मतलब अच्छा मार्केट था यहाँ पर? दीपाली देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हमेशा से ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक जो कंपटीशन है वो मिलता रहता है, और स्पेशली ये जो एरियाज हैं यहाँ पर ज़्यादा अनऑर्गेनाइज जो स्पेस है उसका ज़्यादा टैप है यहाँ पर। लेकिन जो भी एक साइज डिसाइडेड है कि यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज मार्केट है लिकर स्पेस में जो कि रफली 3200 से 3400 करोड़ रुपये के आसपास का है, उसका करीब करीब 80% से 85% के आसपास का हिस्सा जो है वो लिकर मार्केट होल्ड करती हैं, और लिकर मार्केट का जो मेजर हिस्सा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है, करीब 5 से 7% के आसपास इंपैक्ट, इसीलिए उनके वॉल्यूम्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाकी प्लेयर्स जो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, GM ब्रिवरीज, रेडिको कैतान, इंडिया ग्लाइकोलॉजी कंपनियां, हाँ इनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। यूनाइटेड ब्रिवरीज में मेजर इंपैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो बियर मार्केट है वो काफी छोटी है, करीब 5 से लेकर 7% के आसपास का ही बियर मार्केट ये बिहार जो लीगर स्पेस है उसके अंदर कंपोजिट करता है। शुक्रिया सुमित आपका। तो सुमित ने बताया कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का, और आज के सेशन में एक मिक्स्ड बायस दिखा भी है तमाम लिकर स्टॉक्स में। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट कि नीतीश सरकार ने नो बूज की अनाउंसमेंट की है, देशी हो या विदेशी शराब दोनों पर बैन लगाया है, सिर्फ आर्मी कैंट में शराब उपलब्ध होगी। संडे को डिसीजन आया था देशी शराब को लेकर, जिसके बाद हमने देखा था कि जो लोकल्स है वो टर्न अप हुए थे और काफी तोड़फोड़ उन लोगों ने मचाई भी थी।